की तरह बिग बॉस के नए सीजन में फिर एक बार नए चेहरे आने वाले हैं। अगर आप बिग बॉस के फैन हैं, तो ये बात तो बहुत ही अच्छे से जानते होंगे कि इस शो में ड्रामा के साथ साथ थोड़ा रोमांस और काफी फनी मोमेंट्स देखने को मिलते हैं। ये सब तो ठीक है, मगर इन सभी चीजों से हटकर इस शो में काफी कॉन्ट्रोवर्सीज भी देखने को मिलती हैं। हर साल बिग बॉस के चाहने वाले शो का बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो आइए आज हम आपको बिग बॉस के नए सीजन के कंटेस्टेंट से रूबरू करवाते हैं, जिनको हम टीवी स्क्रीन्स पर कॉन्ट्रोवर्सीज करते हुए तो देखते ही हैं, मगर इन्हीं कंटेस्टेंट की अलग जिंदगी की कॉन्ट्रोवर्सीज के बारे में जानेंगे। पहले हम बात करेंगे गौरी नगौरी के बारे में। गौरी अपने डांस की वजह से हरियाणा और राजस्थान में काफी पॉपुलर हैं, लेकिन गौरी नगौरी को उनके बोल्ड डांस मूव की वजह से सोसाइटी में काफी क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ता है। चलिए हम आपको इसी से जुड़े एक इंसिडेंट के बारे में बताते हैं। साल 2017 में राजस्थान यूनिवर्सिटी के उद्घाटन के दौरान, जहां लाखों स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स मौजूद थे, वहीं गौरी ने डांस फ्लोर पर अपनी बोल्ड डांस स्टेप से भी सभी को हैरान कर दिया था। इसकी वजह से कई लोगों ने उनके डांस को शर्मनाक नाम दिया। और दूसरे नंबर पे आते हैं शालीन भनोट। शालीन वैसे कई टीवी सीरियल में काम कर चुके हैं और टेलीविजन इंडस्ट्री में काफी जाने माने चेहरे भी हैं, मगर उनकी कॉन्ट्रोवर्सीज की वजह से उनका नाम काफी बदनाम है और उनकी बदनामी की वजह उनकी एक्स वाइफ है डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप लगाया था।